हेलो जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या कैसे हैं हम सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉगिंग में। आज आए सुबह सुबह मेहमान घर पे आ गए हैं और ना बनाया है और भाई साहब आ रहे हैं जो उनके लिए ना चाय नाश्ता तैयार दिया रहा है। और नाश्ता तैयार करते करते बज गए 11:30। आज सारा काम जॉइंट फैमिली का यही फायदा होता है। तो दीदी ने सारा का सारा काम किया है, झाड़ू पोछे का काम सब उन्होंने किया है और बस मैंने थोड़े दिन कपड़े धोए हैं। कपड़े हमारे बहुत सारे रखे थे ना। तो और अंशी ये कह रही कि आज मंजू को आई आई या नहीं आई तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मंजू दीदी के तो वहां पे ही पैक करके भिजवा देंगे, लेकिन भाई साहब आ गए और मेरा भाई आया है तो मैं उसके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी फटाफट। तो जी चलिए देखते हैं। तो जी अंशी ने शुरू कर दिए अपने भाई के लिए पराठे बनाने। और अंशी कितना अच्छा लग रहा आज, तो मजा आएगा। है नमन पहली बार आया अपने पापा के साथ में अकेला बुना बुआ के, तो उसे आज पराठे बना के खिलाए जाएंगे। और पराठे का शौक भी है नमन को खाने का, मुझे बनाने का, इसे बनाने का शौक है। और मंजू क्या कह रही थी कि मेरे लिए पैक करके भेज दियो, तो भेजेगी ना? भेजेगी, भेज देगी पैक करके। आलू ज्यादा उबाले थे, पता था कोई ना कोई आएगा खाने के लिए। इसके पास घोड़ा भी है, गाड़ी भी है, पालना भी है, सब है। सब दिखा रहा है नमन को अपने घोड़े गाड़ी काट लिए, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, चला के दिखा दी है, घोड़ा यहाँ खड़ी कर दिया है और पालना उधर से लेकर आया निकाल के। ये नमन को दिखाया जा रहा है। भाई किस लिए दिखा रहे इनको? ये तो और इधर वानिका बैठ गई है फूफा जी गोदी में। आज फूफा की गोदी का मजा ले रही है वानिका। और सुसु कर भी सकती है, नहीं भी कुछ भरोसा नहीं है, पर नीचे मैट ले लिया है, है ना? सुसु कर देगी तो क्या है। और वाने का खुश है, बैठ के देख रही है आज मैं कैसी की गोदी में बैठ गई हूँ भाई। तो वाने का के लिए तो खैर नाश्ता नहीं लगेगा, वाने का को पापा दिख गए। तो इतनी खुशी हो गई बच्चों को आते ही। देखो जी अंशी को बहुत देर होगी पराठे बनाते बनाते और अब लास्ट में जाके मेरा नंबर आया पराठे खाने का। ये दो बच्चे और आ गए हैं, केशव और अंशुमन। और कंदू ने अब तक नाश्ता नहीं करा और तुम नाश्ता करिए भाई। यो पराठा चार जने 4 मिनट में फिनिश हो जाना चाहिए। गरम है, फूक मार मार के, ठीक है ना? और जो भी ज्यादा खाएगा उसी को सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। होमवर्क होमवर्क कर रखा है। स्कूल का नाम बताओ। सनशाइन। और कन्नू आपके? और आपके? और आपके भाई? तुम्हारा तीनों का तो एक ही है, तुम तो तीनों खैर क्लासमेट ही हो। ये थोड़ा सा अलग रहता है, नावले में पढ़ता है भाई लड़का, सनशाइन स्कूल में। और मुझे लगा मच्छर काटने लगे। पहले तो मेरा एचएल में। पहला कौन से में था? एचएल। एचएल में था। और अब कौन से में है? सनशाइन। अच्छा कौन सी क्लास है? नलचड़ी या एलकेजी? नर्सरी। अच्छा नर्सरी, थोड़ा सा दौड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये नर्सरी में है और ये फर्स्ट में है और बाकी दोनों वो एलकेजी में है। सिर्फ रह गया कन्नू का पराठा। कन्नू का हाथ पकड़ा दो कोई, वो तो बिजी है फोन में। फिनिश करना फटाफट, ठीक है बच्चों? मैं भी आके बैठ गया अंशी के पास क्योंकि अंशी की आज थोड़ी सी शाबाशी कर रहा हूँ, क्योंकि अंशी बेचारी थक गई है। आज पराठे बनाने का शौक अंशी का मुझे लगा साथ पूरा हो गया होगा, है ना? बहुत कह रही थी कि मुझे पराठे बनाने का बहुत मन करता है चाचा जी, मैं अपने हाथ से पराठे बनाऊंगी। मैंने आलू भी ज़्यादा उबाल रखे हैं, तो आज पूरे फैमिली ने और रिश्तेदारों ने और पड़ोसी के बच्चों ने भी पराठे सबने अंशी के हाथ के खाए। कितनी देर होगी पराठे बनाते बनाते? 11 बजे लगी थी और अभी 1 बज गया। अंशी को पूरे 2 घंटे हो गए पराठे बनाते बनाते, बनाती बहुत ज़्यादा बनाती है, तो 2 घंटे में तो बहुत सारे पराठे बनाते होंगे। एक परात आटा था जो अंशी ने पूरा सही कर दिया, बिल्कुल फिनिश कर दिया। दोबारा बनाया तो दोबारा बनाना पड़ गया कि पराठे इतने अच्छे लग रहे थे, सब लोग एक एक की जगह दो दो खा रहे थे। पिट्ठी भी बहुत अच्छी बना रखी अंशी ने, ये दोबारा बनाई पिट्ठी भी। तो आलू भी वाले होंगे हैं? फुलाऊंगे तू देख ही नहीं पाने का। अरे तो मेरी बात सुनो, पहले तो एक बल लेता वो नहीं होता था। अच्छा दोबारा लेके अच्छा ठीक है, फिर पुलाओ जो वो था
बल्ले का पैकेट उसमें डाल दो, बल्ले उसे एक गांत लगा दो, एक गांत लगा दो, ठीक है। फोन पे ऐसे लगा होते ना, उसमें छोटे छोटे बुलबुले निकले थे। बुलबुले निकलेंगे? हाँ। कहाँ सिखा तुमने बात? ये मैंने मोबाइल में सीखी है। मोबाइल में सीखी है? मोबाइल में तो ABCD भी आवे है, पढ़ने ही और वो भी आवे है, करना वो भी सीखी थे मोबाइल में। दोबारा सुना, समझ में नहीं आया मेरे, दोबारा सुना। राम बहू से शैतान करते हैं पूरे उल्टे का। अच्छा, उनके पूछ पूछ कर लो जाओ, मैं इंटू मजा से करूं। वानिका ने अपनी नींद पूरी निकाल रही है, पर जाने के पहले ही वानिका उठ चुकी है। ऊपर जो जाने वाले हो रहे हैं ना, तो सोचा चलो लास्ट टाइम में भी गोदी में आ ही जाऊंगा। तो और कितना ही था इनका, पूरी दोपहर ही आराम भी कर लिया उन्होंने, खाना भी खा, वो नाश्ता भी कर लिया है। बस अब इनको मैं छोड़ने जा रहा हूँ बस स्टैंड तक। चलो भाई, विदाई हो गई है, बच्चे भी गले मिल लिए हैं, और चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय नमन, बाय बाय नमन। नमन अपने घर जा लिया। खिलाना ही जाएंगी इसे, हुआ तो आई नहीं अभी अभी भी वो है ना, उसमें कप लेकर के आया है, बहुत ही अच्छे कप है, डिजाइन एक से एक है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है, और ये इधर भी है, तो मुझे तो ये वाला डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा है। तो मुझे तो ये वाला अच्छी को ये कॉफी वाला अच्छा लगा है, और उसकी मम्मी को ये वाला अच्छा लगा है, तो ये वाले अच्छे लगे, ये वाले। और आज आ गए अचानक से बड़े वाले फूफा जी नमन को लेकर के, तो हम तो हक्के पक्के रह गए थे एकदम से देख कर उनको। फिर भी आलू के पराठे बना रखे थे, और कुछ हाथ में मोच आ रही ना, तो इस वजह से सारा काम है ना दीदी को और अंशी को ही करना पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत काम जितना भी होता है मेरे से संभाल रही हूँ मैं। ये इसका कवर निकाल दिया है हल्के हल्के से, और अंशी ने तो आज 1:30 बजे तक पराठे बनाए हैं। आज तो 11:30 बजे से लग गई थी वो बनाते बनाते, और 1:30 बजे तक पराठे ही बनाती रही, पराठे ही बनाती रही सभी के लिए। अगर एक एक दो दो भी खाते हैं ना, तो काफ़ी बन जाते हैं। कटोर दान पराठे बनाए थे और सारे के सारे ख़त्म हो गए। और वानिका की ताई जी लेने के लिए चली गई है कप, क्योंकि ये घर से थोड़ी सी दूर पे है ना, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाई, और इसीलिए मैं यहाँ पे घर पे साफ़ सफाई कर लूँगी थोड़ी सी, और वे कप लेकर के आ जाएंगी। और वानिका अपनी माँ जी की गोद में खेल रही है, अभी तक तो सो रही थी ये बेड पे, चारपाई पे सो जाती है, फिर ये उठ जाती है थोड़ी देर के लिए, मम्मी इसको गोद में ले लेती है। ऐसा नहीं है, आप कमेंट करते रहते हैं कि सारा दिन मम्मी को थोड़ा सा आराम मिलने चाहिए, मम्मी को गोद में से ले। इसको सभी लेते हैं गोद में, विभोर भी ले लेते हैं, अंशी भी ले लेती है, ताई जी भी ले लेती है, मैं भी ले लेती हूँ। और ये ट्रे का पूरा सेट है, और ये तीनों की तीनों 120 रुपए की बता रही है, अच्छी लग रही है तो ट्रे। हाँ, और अंशी के साथ में बातें कर रही है वानिका, ये अंशी के साथ बहुत बातें करती है। आखिर अंशी को है ना जो कलर पसंद आया था, फिर सबने यही डिसाइड कर लिया, मम्मी ने भी ये बोला है कि ये वाला ही ले लो, तो ये 12 कप ले लिए है सिर्फ, और बहुत ही सस्ते है, 100 रुपए के 12 कप है, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। और पैसे दे दिए है जो वानिका को है ना, उसके फूफा जी दे करके गए थे ना, वे सारे पैसे दे दिए हमने। और है ना चाय देने के लिए पहले ही देखने लगा 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 कर कि हाँ ये कैसे, ये 4 उस्मान जगह छोटे वाले टी वन का टी इस तरह जाएगा विभोर चाय लेकर, और मेहमान आएंगे तो इस तरह चाय लेकर जाएगा विभोर जाएगा अंशी जाएगी। पहले तो अंशी की शादी का नंबर ही होगा ना वानिका, कितनी जब मजा आ रहा है वानिका का, जब तक फूफा जी ने जब तक हंस के नहीं दिखाया, और फूफा जी का जब तक ही अंगूठा चूसने लगी और हंसने भी लगी अब जा है। कभी फूफा जी मुझे नाम रख दे कि हाँ मैं लड़की हंसू अंगूठा चूसती हूँ, इसलिए फूफा जी का ये काम मैंने करा ही नहीं, बहुत समझदार है सच में। आज सारे के सारे गर्म कपड़े मैंने बैग में लगा दिए, बस एक एक दो दो रखा है, और ये यहाँ पर साफ सफाई करने के बाद निकलने के पापा ने दोनों बैग रख दिए है, और अभी गाना गा रही थी। जब से हुई है शादी है सामान खा रहा हूँ बस इतना ही, ठीक है आगे नहीं बदलता कुछ में। और एक बैग ये है यहाँ पर गर्म कपड़े आपके थे कन्नू पापा सबसे ज्यादा, और एक बैग हो रहा। और यहाँ पर मम्मी देख रही है, और अंशी और वानिका, वानिका भी देखने लगी है टीवी, और ये देख रहे हैं बबली दीदी का व्लॉग। सुबह से मैंने बेडशीट नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे पता था जब भी मैं बेडशीट डालूंगी ना, तो कन्नू पापा आकर के एकदम से लेट जाएंगे। और ये मैंने 6 बजे आज बेडशीट डाल ली है, इस पे 2 धागे करके यही वाली डाल दी, और गंदी सी हो रही थी थोड़ी सी, तो ये नहीं थी धुली भी नहीं थी, जब से एक बार ही धुली थी, और ये जब से आ रहे और लेटे हैं बहुत देर से,
कुछ काम वाम नहीं करना क्या? बस जब आज कुछ काम था ही नहीं, मैंने वैसे काम तो बताया कर दिया, पर मेरे काम का कोई नाम नहीं होता है और मेरा क्या किसी का भी नहीं होता नाम। तो बस मैं तो अपनी बिटिया को फोन दिखा रहा था और अब मेरी बिटिया सो गई है, तो बस अब मैं थोड़ा सा ऐसा सुआ रहा हूँ और उसका पता नहीं मेरे बेटे का वो कहाँ घूम रहा, कहाँ नहीं कुछ नहीं पता उसका। तो जी इनका तो यही काम है, लेटने का, बैठने का, इधर उधर घूमने का, और बस अब मैं खाना बनाने के लिए चलती हूँ। मैंने एनएस वैसे सब्जी तो बना दी है, बस आटा बनाना रह गया है और बेल ली गई। ठीक है, बेल लूँगी रोटियाँ, नहीं तो फिर अंसी की सब्जी हो गई है तैयार, आलू टमाटर। तो कन्नू अभी लेके आया है पिज्जा, और पिज्जा भी क्या है, एक छोटा सा आटे का बना रखा है, उसको पिज्जा बता रहा है ना, और कह रहा है मुझे लिए पिज्जा बना दो। ये पिज्जा क्या होता है कन्नू भाई, पिज्जा क्या होता है? खाने का होता है पिज्जा? हमें तो पता नहीं भाई पिज्जा क्या होता है, हम तो जानते भी नहीं पिज्जा को। कन्नू को कैसे पता लगा पिज्जा का, कन्नू ने कब खाया है? इसे जूते बना दो। जब तू छोटा सा था जब खाया था, अब बड़ा हो गया। अच्छा मैं कौन लाया था पिज्जा जब छोटा सा था? जब छोटा सा था मैं। अच्छा अक्षित लेके आया था, हमारे पिज्जा कभी नहीं आया है, और नहीं एक बार तो आया था। खैर आखिरकार खाना बना दिया बोबी ने और खुद भी खाने का नंबर आ गया है, सबको खिलाने का। और इधर बैठी है दादी पोती, अंशी ने पुछता गर्दन ठुकी सी और यो फसगा हुआ का दिसकी गर्दन ही ये हो जा। क्या हो जा? यो इसके यहाँ गर्दन में अटक का, इसकी गर्दन ठुकी सी आना है निकली नहीं रस्सी। अच्छा जी बताओ, हमारी बेटी की गर्दन ठुकी सी है? हमारी बेटी की हाइट मुझे लग रहा कम बता रहे हैं ये लोग, है ना। और दादी और दो दो पोती बैठी है आराम से गोदी में, और जब ये रोती है ना फिर इसको लेने के लिए कोई नहीं आता, फिर इसको मम्मी को भाग के आना पड़ता है। और जब खेलती है फिर सब इसको लेने को तैयार है। चोरी चोरी छुपके छुपके इशारे कर रही है अपनी मम्मी की तरफ को, देखो सामने से इधर बातचीत चल रही है मम्मी से, है ना। मम्मी इधर से इशारे कर रही है और वानी का इधर स्माइल दे रही है, इनके दोनों के बीच कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसे ही माँ बेटी में चलता रहता है कुछ ना कुछ। क्या कह रही है आपको ये? खुशी पाई है ना। और देखो आवाज भी लगाई है मम्मी को अपनी, क्योंकि पता है भाई दूध मम्मी पिलाती है, तो मम्मी को तो आवाज लगाऊंगी मैं, और किसको लगाऊंगी। थोड़े से बाल है मेरे, इधर हमारी बिटिया सो गई है और बोबी भी सो गई है, और आज मेरा फिर से नंबर लग गया है अपने बेटे का होमवर्क कराने का। तो मेरा बेटा होमवर्क करके तुमने तो गलत बना दिया था, मैंने सही बनाया। देखा आपने सुन लिया होगा मैं गलत बनाता हूँ और ये सही बनाता है। देखो ये तुमने गलत बना दिया था, तुमने सही बना दिया। ओके तो कन्नू हमारा होमवर्क करेगा, और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त कर देते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, और सब्सक्राइब करना है ना।